बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिल्म्स कर्व का कंसेप्ट सीखा, ठीक है। फिल्म्स कर्व क्या था कि आपके इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान एक रिलेशनशिप बताता था कि अगर आप शॉर्ट रन यानी कि थोड़े टाइम के लिए अपने कंट्री में अपनी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना चाहते हो तो आप इन्फ्लेशन की सिचुएशंस क्रिएट कर दो, यानी कि जैसी महंगाई होगी वो तमाम लोग भी काम को निकलेंगे जो कि काम नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और इम्प्लॉयड लोग ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। इसी रिलेशनशिप को फिल्म्स कर्व का नाम दे दिया गया। लेटर ऑन ये कहा गया कि लॉन्ग रन में ये सिचुएशंस जो है अपने अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको स्टैटिक कर देती है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ते से बढ़ता चला जाता है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने फिल्म्स कर्व में जो शिफ्ट थी वो हमने देखी थी विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेक्टेशन, कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करने की वजह से दोबारा से आपका स्टैटिक पोजिशन में आते हैं फिल्म्स कर्व। आज हम लोगों ने देखना है कि अगर सप्लाई शॉक्स आ जाए तो हमारा फिल्म्स कर्व किस तरीके से चेंज होता है, फिल्म्स कर्व में किस किस्म की चेंजिंग्स को ऑब्जर्व किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सप्लाई शॉक्स। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि वो जो हम लोगों ने प्रीवियस एक लेक्चर में पढ़ी थी कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होती है, जैसे वो शू लेदर कॉस्ट एंड ऑल दैट, वो कॉस्ट इन्फ्लेशन को कैसे रिड्यूस करती है, ठीक है। अगर आपने इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है तो आपको किस किस किस्म की कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे ये जो फिल्म्स कर्व है इसके अंदर जो शिफ्ट आती है बिकॉज ऑफ सप्लाई शॉक्स। उससे पहले लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट हमने अंडरस्टैंड करना है वो ये कि सप्लाई शॉक्स होता क्या है। आप अपने न्यूज चैनल्स पे सुनते होंगे कि अब सप्लाई शॉक्स आ गया फ्यूल में या किसी चीज के स्टॉक में, एकदम से गंदम की प्रोड्यूसर्स ने कह दिया कि गंदम शॉर्ट हो गई है, सप्लाई शॉक आ गया। ये क्या चीजें होती है, सबसे पहले सप्लाई शॉक को अंडरस्टैंड करें। बेसिकली एज पर द इकोनॉमिक्स यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहा जाता है कि एन इवेंट दैट डायरेक्टली ऑल्टर्स forms cost and prices shifting the aggregate supply and आप लोग का फिल्म्स कर्व। ये इकोनॉमिक्स कहती है, इकोनॉमिक्स कहती है कि अचानक से आपकी फर्म जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट में और प्राइसेस में चेंज आ जाना और उस चेंज की वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व का शिफ्ट हो जाना और आपके जो फिल्म्स कर्व है उसमें चेंज आ जाना। यानी कि एक आपकी मार्केट है लोगों की, एक मार्केट है आपकी स्टेट की मार्केट जिसके अंदर वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को रखता है, ठीक है। जो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की मार्केट में जो कुछ होगा ना उसका इम्पैक्ट नजर आएगा फिल्म्स कर्व की मार्केट में। मैंने दो तरह की मार्केट्स आप लोगों को दिखाई थी ना कि एक होगी लोगों की मार्केट, एक होगी स्टेट की मार्केट। तो ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्राइसेस में चेंजिंग आए और उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व की बात नहीं हो रही है, याद रहे सिर्फ सप्लाई कर्व चेंज हो जाए एकदम से और फिल्म्स कर्व चेंज हो जाए, पीसी से मुराद है फिल्म्स कर्व। अब मैं आप लोगों को आसान वर्ड में बताती हूँ सप्लाई शॉक्स कहते किसको है। अचानक से आपके कंट्री में खुदा न खासा किसी चीज का कहत आ गया, ठीक है। कहत को बेसिकली बोलते हैं सप्लाई शॉक्स, एकदम से वो सप्लाई शॉर्ट हो जाना। यानी कि अब जैसे कोई सैलाब आ गया, सैलाब की वजह से जो जितनी क्रॉप्स थी आपकी वो तबाह हो गई है। अब जो आपका प्रोड्यूसर है या जो फार्मर है वो क्या करेगा, आप लोगों को प्रोडक्शन कम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब आप लोग भी मजबूर हैं क्योंकि आप लोगों को वो प्रोडक्शन चाहिए है, आप लोगों ने वो पैदावार लेनी है, लेके उसे हो सकता है आपने कंज्यूम करना हो या हो सकता है आगे आपने उसको सेल करना हो, तो आपको वो चीज चाहिए। अब वो जो जिसके पास सप्लाई शॉक आया है यानी कि सप्लाई का फुकदान आ गया है वो क्या करेगा, उसको हाई प्राइस के ऊपर अपनी चीजें बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसको नुकसान हुआ है, उसको अपनी प्रोडक्शन का नुकसान भी भरना है, तो वो अपने नुकसान को पूरा करने के लिए क्या करेगा, कॉस्ट या अपनी कॉस्ट को पूरा करने के लिए अपनी प्राइसेस को बढ़ा देगा क्योंकि उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। जैसे जैसे उसने अपनी कॉस्ट कवर करनी है उस तरीके से उसने अपनी प्राइसेस भी बढ़ा देनी है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि उसकी सप्लाई में फर्क आता है, डिमांड कहीं नहीं जाती लेकिन सप्लाई में फर्क आता है। आगे बताती हूँ कि इसका फर्दर किस तरीके से इसको देखा जाता है। एग्जाम्पल सबसे बड़ी इसकी एग्जाम्पल है ओपेक की 1973 की। ओपेक यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसके बारे में इन डिटेल पढ़ा था कि 1970 में इन्होंने जब इनोग्रेट किया था तो 1960 में ओपेक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। 1973 तक इन्होंने अपनी प्राइसेस इतनी ज्यादा कर दी थी और प्राइसेस ज्यादा करने के पीछे राज क्या था, सप्लाई शॉक, यानी कि इन्होंने अपनी सप्लाई को शॉर्ट कर दिया था। ये लोग अमीर लोग अमीर कंट्रीज थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम लोग अपने ऑयल की बेस के ऊपर लोगों से ज्यादा पैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, सिर्फ इस वजह से उन्होंने सप्लाई शॉक्स पूरी इकोनॉमी में क्रिएट कर दिया। तो बेसिकली किसी चीज का शॉर्ट हो जाना इकोनॉमी में कहलाता है सप्लाई शॉर्ट।
तो उसकी बेहतरीन एग्जांपल है ओपेक की 1973 की, जब ओपेक ने अपने पेट्रोलियम यानी कि फ्यूल की क्रूड ऑयल की सप्लाई को शॉर्ट कर दिया था बाय क्रिएटिंग द सप्लाई शॉक्स। आगे बात करती हूँ, ये एक छोटी सी डायग्राम है, डायग्रामिकली आप लोग को बताया जा रहा है कि किस तरीके से इसको देखा जाता है। ये आप लोग की शॉर्ट और एग्रीगेट सप्लाई है, याद रहे एक दफा दोबारा आप लोग को याद करवा दूं कि एग्रीगेट सप्लाई को दो तरीके से देखा जाता है, एक लॉन्ग रन में देखा जाता है, एक शॉर्ट रन में देखा जाता है। और जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप ही रहता है, ठीक है, नेगेटिव जो ग्रीन कलर में। शॉर्ट रन जो होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, एग्रीगेट सप्लाई जो है जब वो शॉर्ट रन में होती है एग्रीगेट सप्लाई तो वो ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है यानी कि अपवर्ड स्लोप, और जब लॉन्ग रन जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन में जाती है तो वो एक किस्म की वर्टिकल शेप इख्तियार कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे इक्विलिब्रियम लेवल मिल रहा है जिससे हमें पता लग रहा है हमारी मार्केट के अंदर यानी कि जहाँ पे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है और एग्रीगेट डिमांड है नॉर्मल एग्रीगेट डिमांड, वहाँ का हमारा जो मेन इक्विलिब्रियम प्राइस है और मेन इक्विलिब्रियम इनपुट है वो बता दी गई है, ठीक है जी। अब एकदम से सप्लाई शॉक आया, अब आप लोगों से अगर मैं पूछूंगी जब सप्लाई शॉक होता है तो सप्लाई शॉक के आने की वजह से इट मींस कि आपकी सप्लाई का फुकदान आ गया, आपकी सप्लाई में कमी आ गई। अब कमी आने की वजह से आपका सप्लाई कर्व राइट तरफ को मूव करेगा कि लेफ्ट तरफ को मूव करेगा? ऑफ कोर्स वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। जब जब किसी चीज में फॉल आता है या डिक्रीज आता है वो लेफ्ट की तरफ को आपको कर्व शिफ्ट कर जाता है। तो सप्लाई शॉक आया, ठीक है, सप्लाई शॉक की वजह से सप्लाई कम होगी, सप्लाई शॉक से मुराद है सप्लाई का कम हो जाना, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा सप्लाई का फौरी तौर पे लेफ्ट तरफ को शिफ्ट कर गया। अब शिफ्ट करने से क्या हुआ है कि उस वहां पे हमने अगर देखे तो वहां पे हमें प्राइसेस ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। अ नेगेटिव सप्लाई शॉक डिक्रीजेस आउटपुट कॉजिंग द प्राइसेस टू इंक्रीज, आउटपुट डिक्रीज होगी सप्लाई शॉक की वजह से, पहला पॉइंट, ठीक है। सप्लाई शॉक की वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन थी वो डिक्रीज होगी, वो थोड़ा देना शुरू हो गया, फुकदान आ गया। दूसरी चीज क्या हुई, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि उनको अपनी कॉस्ट क्लियर करनी है। ये जो अब येलो पॉइंट आप लोगों को अभी अभी शो हुआ है वो प्राइस के लेवल को शो कर रहा है कि आपके प्राइसेस अप जा चुके हैं। अब पॉजिटिव सप्लाई शॉक इंक्रीज द आउटपुट कॉजिंग द प्राइसेस टू डिक्रीज। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ होते हैं पॉजिटिव सप्लाई शॉक, वो बेसिकली आपकी डिमांड से रिलेट कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक कंसेप्ट है जो आप लोगों को मैं देना चाह रही हूँ कि पॉजिटिव सप्लाई शॉक्स यूजुअली तब आते हैं जब मार्केट में किसी चीज को लेकर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, जैसे किसी ट्रेंडी चीज को लेकर, ठीक है। वहां पे क्या आता है कि आपकी आउटपुट जो है आउटपुट में इजाफा हो जाता है और आपकी प्राइसेस डिक्रीज हो जाती है एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस को कम कर दिया जाता है, व्हेन देयर इज क्वांटिटी डिमांड मोर क्वांटिटी डिमांडेड इट मींस देयर इज लो प्राइस, ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग उसका जो आपका सप्लाई शॉक होता है वो पॉजिटिव रहता है। आगे बात करते हैं, सप्लाई शॉक गिव्स पॉलिसी मेकर्स अ लेस फेवरेबल ट्रेड बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सप्लाई शॉक जो होता है पॉलिसी मेकर्स को इतनी पॉलिसीज बनाने की लिबर्टी पे नहीं रखता, ठीक है। ये चीजें फेस करनी पड़ती है, इकोनॉमी का एक एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है जी। आफ्टर एडवर्स सप्लाई शॉक पॉलिसी मेकर्स हैव टू एक्सेप्ट, अब सप्लाई शॉक तो आ गया है, ठीक है। अब पॉलिसी मेकर्स मजीद इसके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं कर सकते, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी सप्लाई शॉक की वजह से, ये पुरानी ही डायग्राम को रिपीट किया गया है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अ हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर एनी गिवन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इन्फ्लेशन किसी भी रेट के ऊपर स्टे कर जाए और अनएम्प्लॉयमेंट उसके ऊपर कुछ भी हो, ठीक है। हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ गई है सप्लाई शॉक की वजह से, आपको अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बर्दाश्त करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट चाहे कम आए चाहे ज्यादा आप लोग को स्टैटिस्टिक शो हो। तो बेसिकली अ हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एनी गिवन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन कम हो गया तो आपको हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बर्दाश्त करना पड़ेगा, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो मैं आप लोगों को ये रेड पॉइंट से बताऊं, यहाँ पे प्राइसेस कम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ तक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपका पीसी कर्व शिफ्ट किया है अपने लॉ के ऑपोजिट। मैंने आप लोगों से कहा था लास्ट सेमेस्टर में कि जब आप लोगों के लॉ के अगेंस्ट चीजें जाएं, यानी कि कहा जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप येलो पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है साथ ही आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी आगे को शिफ्ट की गई है। असूलन क्या होना चाहिए था लॉ के अकॉर्डिंग, अगर आपका इन्फ्लेशन यहाँ कहीं था तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं यहाँ पे कहीं नजर आनी चाहिए थी आपको, लेकिन क्या हुआ कि ये भी बढ़ गया, यहाँ से ये बढ़ गया और यहाँ से ये चीज बढ़ गई है, ठीक है। दोनों चीजें बढ़ी, यानी कि इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा। जैसे ही आपके लॉ के अगेंस्ट कोई चीज जाती है तो वो आपके कर्व को शिफ्ट करती है,
ठीक है, अगर आपके लॉ के अकॉर्डिंग है तो वो आपके कर्व को शिफ्ट नहीं करती, अगर आपके लॉ के अगेंस्ट जा रही है तो आपके कर्व को शिफ्ट कर देती है। इस वजह से जब आपका हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाए आपकी इकोनॉमी के अंदर, तो समझ लीजिए आपका पीसी कर्व शिफ्ट होने की सिचुएशन में आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। यहाँ तक था सिर्फ और सिर्फ के सप्लाई शॉक्स की वजह से, जब सॉरी मैं एक दफा आपको रिपीट कर दूँ कि सप्लाई शॉक्स की वजह से जब जब आप लोग के सप्लाई कम होती है और प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो फिल्म्स कर्व के ऊपर किस किस्म का इफेक्ट आता है। फिल्म्स कर्व क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है, और शिफ्ट करने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन रेट भी हाई चला जाता है। आगे बात करते हैं द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। जी, द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, मैं थोड़ा सा इससे पहले रिपीट करना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ी थी, जैसे शू लेदर कॉस्ट थी हमारी, डिफरेंट तरह की कॉस्ट थी, इन्हीं कॉस्ट को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक है आप लोगों के लिए डिस इन्फ्लेशन, ये एक टर्म आप लोगों को समझ आना चाहिए कि डिस इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन तो होता है ना प्राइसेस का बढ़ जाना, अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट करते हैं यानी कि जो जिस रेट के ऊपर आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं उस रेट के अंदर किसी किस्म की कमी आ जाए तो उसको कहते हैं डिस इन्फ्लेशन। अब छोटी सी बात, यहाँ पे छोटी एग्जांपल लूंगी, रिसेंटली आपके पेट्रोल की, ये जो आप लोग का फ्यूल था, उसकी प्राइसेस कम हुई थी। प्राइसेस एक्चुअली कम नहीं हुई थी, वो सिर्फ डिसइन्फ्लेशन आया था, यानी कि राइजिंग प्राइसेस के अंदर एकदम से प्राइस में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ठीक है, अ स्मॉलर या एन एवरेज रिडक्शन इन योर इन्फ्लेशन रेट, जो आपकी बढ़ती हुई कीमत है उसको थोड़ा सा पीछे कर लेना, वो कहलाता है डिसइन्फ्लेशन। मैम इफ यू डोंट माइंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। एकदम से आपके फ्यूल की प्राइसेस जब डाउन हुई थी तो क्वेश्चन ये था कि ये इंक्रीज दोबारा क्यों हुई है, इसको क्यों दोबारा से इंक्रीज कर दिया गया। वो इंक्रीज इसलिए किया गया था कि बेटे वो प्राइसेस नीचे नहीं आई थी, वो डिफ्लेशन नहीं आया था, वो डिसइन्फ्लेशन था। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस बिल्कुल कम कम आ जाना। ठीक है, एकदम से कम कीमत के ऊपर आपको हर चीज मिल रही है। फ्यूल की प्राइस जो थी वो डिफ्लेशन का शिकार नहीं हुई थी, वो डिसइन्फ्लेशन की तरफ गई थी। डिसइन्फ्लेशन के कॉलम में उसको ऐड कर दिया गया था। इकोनॉमिस्ट या पॉलिसी मेकर्स ने क्या किया कि थोड़ी देर के लिए लोगों की सेविंग्स इंक्रीज करने के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में यूज होने वाला फ्यूल उसकी कीमत थोड़ी सी कम कर दी। कम करने से मुराद है उन्होंने डिफ्लेशन की तरफ नहीं, वो डिसइन्फ्लेशन की तरफ लेके गए। कम पीरियड के लिए अगर आपके इन्फ्लेशन रेट में कमी इख्तियार की जाए तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। आगे चलते हैं, इसकी बात होती है शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर अगर डिसइन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो क्या होता है, शॉर्ट रन टाइम पीरियड में, यानी उसमें क्या होता है आपकी आउटपुट कम हो जाती है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अगेन बता देती हूँ, ये आप लोगों के समझ में आ जाने बात चाहिए कि अगर आउटपुट आपकी कम होती है तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ती है। लेट्स से कि मेरी एक आइसक्रीम फैक्ट्री है, उस आइसक्रीम फैक्ट्री के लिए मैंने चार मजदूर रखे हुए। अब चार मजदूर, मेरा इन्फ्लेशन आ गया, मैं उन चार मजदूरों को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ तीन मजदूरों से काम करवाना है। वो जो एक मजदूर जिसको बेचारे को मैं फारिग कर दूंगी, उसकी वो जाके मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देगा। अब वो जो तीन मजदूर है, क्या वो मुझे उतनी आउटपुट देंगे जो चार मजदूर दे रहे थे? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे चार मजदूर चार आइसक्रीम्स प्रोड्यूस करके दे रहे थे, अब मेरे पास सिर्फ तीन रह गए हैं मजदूर। ठीक है, तीन मजदूर रह गए, अब तीन मजदूर जो होंगे मुझे तीन आइसक्रीम्स प्रोड्यूस करके देंगे। अब मेरी एक तो आउटपुट गिरी, दूसरा वो जो मैंने एक चौथा बंदा फारिग कर दिया, उसकी वजह से इकोनॉमी में जाके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। यानी कि अगर आपकी आउटपुट फॉल करती है तो आपकी वजह से होने वाला बंदा जो जॉबलेस हो जाता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ा देता है, ऑल इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट रिटर्न टू देयर नेचुरल रेट्स। एक मूवमेंट आता है, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि आपका इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल्ड पोजीशन में आ जाता है, और जिसकी वजह से आपकी आउटपुट और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नेचुरल रेट पे, इनके जो नेचुरली आपकी आउटपुट होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 50 या 60 यूनिट्स मार्केट में होने चाहिए, उतने आते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी उतनी होती है जितनी नेचुरल रेट के तौर पर होनी चाहिए। यानी कि आप लोग के हर घर में एक फर्द जरूर इंप्लॉयड हो, जरूरी नहीं है घर के हर फर्द को नौकरी मिले। ठीक है, वो वाली उसको कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि कोई ना कोई एक बरसर रोजगार घर में जरूर मौजूद होता है जिसकी वजह से ब्रेड एंड बटर चल रहा होता है। आगे बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल लूंगी इन अरब के लोगों की। इन्होंने क्या, ये जो इसके पास एक पाइप है ना, ये सारा का सारा, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं कि वो पाइप के जरिए पेट्रोल फ्यूल वगैरह भेजते, ऐसा कुछ नहीं होता। ये 1973 में इसने ये काम किया था, इसने क्या किया था, सप्लाई शॉक क्रिएट कर दिया था 1973 में।
इस सप्लाई शॉक से मुराद है एकदम से इसने अपना वो पाइप घुमाया और सारा का सारा जो ऑयल था दुनिया जो दुनिया को सप्लाई कर रहा था उसमें कमी इख्तियार कर ली। तो इसके सप्लाई ऑयल प्राइस आ गई थी, इन्होंने सप्लाई शॉक क्रिएट किया, सप्लाई शॉक की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया। अब इस इन्फ्लेशन को काबू में किसने किया था, उस टाइम की बात करती हूँ जब यानी कि यूएस इकोनॉमी की बात होने लगी है, जब फेड जो उनका फेड था यानी कि उनका स्टेट बैंक, स्टेट बैंक का चेयरमैन पॉल वॉकर, उसने डिसइन्फ्लेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी। ये जो अभी मैंने डिसइन्फ्लेशन का नाम लिया है वो बेसिकली थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाने वाला इंसान, उस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाने वाला इंसान ये पॉल वॉकर था जो कि फेड का चेयरमैन था उस टाइम में। अच्छा, अब इसने किस किस्म के सिचुएशन को फेस किया, किस किस्म के चैलेंजेस को फेस किया, अब आगे इन चीजों की बात होनी कि इनको किस किस्म की कॉस्ट को बियर करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहले फेड ने कहा कि फेड कैन रिड्यूस इन्फ्लेशन थ्रू इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल मनी ग्रोथ। अगर मनी ग्रोथ को कंट्रोल कर ले तो वो इन्फ्लेशन के ऊपर काबू पा लेगी। मनी ग्रोथ को कंट्रोल करने से क्या मुराद है, हमें पता है कि अगर ज्यादा मनी प्रिंट की जाएगी तो इन्फ्लेशन तेजी से फैलेगा। ज्यादा मनी से मुराद है कि मनी ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट होगी, उसकी वजह से लोग अपनी प्राइसेस बढ़ा देंगे, उनको पता लगेगा कि अब मनी ज्यादा आ गई तो लोगों की इनकम्स में इजाफा होना शुरू हो गया। ठीक है जी, अगली बात करते हैं कि व्हाट वुड बी द शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ डिसइन्फ्लेशन। अब इसी डिसइन्फ्लेशन की किस किस्म की शॉर्ट रन कॉस्ट उनको सामना करना पड़ेगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले है सेक्रीफाइस रेशियो। अगेन वही चीज, डिसइन्फ्लेशन की छोटी सी डेफिनेशन है उसके बारे में देख लें जरा क्या है कि अ रिडक्शन इन द इन्फ्लेशन रेट। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग बात करने लगे पहली कॉज इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन को कम करने के, इन्फ्लेशन रेट को कम करने यानी डिसइन्फ्लेशन की सिचुएशन को लाने के लिए उनको जो बियर करना पड़ी कॉस्ट वो पहली कॉज कौन सी थी, सेक्रीफाइस रेशियो। अच्छा, डिसइन्फ्लेशन रिक्वायर्स एंड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो आउटपुट। डिसइन्फ्लेशन अगर क्रिएट करना है तो उसका मतलब है आपको थोड़े टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी जरा ज्यादा कर देनी पड़ेगी और अपनी आउटपुट को थोड़ा कम कर देना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशियो कुछ इसी कंसेप्ट से रिलेट करती है, जैसे कि परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ एनुअल आउटपुट लॉस्ट पर वन परसेंटेज पॉइंट रिडक्शन इन द इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इन्फ्लेशन को कट आउट करेंगे उस तरीके से आपकी आउटपुट भी कट आउट होती रहेगी। टिपिकल एस्टिमेट ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो इज 5। अच्छा, सेक्रीफाइस रेशियो को टिपिकल जो रेट है यानी कि आप किस हद तक सेक्रीफाई कर सकते हो, अपनी आउटपुट को कितना परसेंट कम कर सकते हो, वह है 5। इसकी मिसाल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो रिड्यूस इन्फ्लेशन रेट 1%, अगर आपने अपनी इकोनॉमी के अंदर यानी कि आपने सॉरी पॉलिसी मेकर्स ने अगर इन्फ्लेशन को 1% कम करना है तो उनको अपने साल का जो GDP है वो 5% कम करना पड़ेगा, यानी कि जितनी आउटपुट आ रही है उनसे कहना पड़ेगा कि अपनी आउटपुट को 5% ज़रा कम कर दो, अभी इतनी आउटपुट ना प्रोड्यूस करें, 5% कम करके जो आपके पास बची हुई आउटपुट है उसको हाई प्राइस पे बेचे ताकि आपका इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। उसके बाद कॉस्ट ओवर टाइम क्या होती है कि कॉस्ट ओवर टाइम ये 1-1% बढ़ती रहेगी, 5-6% हो जाएगा। अब सेक्रीफाई ऑफ 30% ऑफ GDP फॉर द 1 year, अगर आपको एक साल के लिए अपना GDP रिड्यूस करना है 1% आफ्टर द एनुअल पॉइंट, जो कि अब लेट्स से कि आपने 6-6 का करना है कि 6-6 times आपने इसको रिड्यूस करना है तो आपका टोटल 30% आपकी सेक्रीफाइस रेशियो होगी आपके GDP में से, यानी कि 30% आउटपुट को कट आउट कर दिया जाएगा। या फिर अगर आपने 3 साल के लिए करना है तो अपने सेक्रीफाइस जो अपने GDP है उसमें से हर साल आपको 10% सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये थी बेसिकली इसकी सेक्रीफाइस रेशियो की कहानी। अगली बात है रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड कॉस्टलेस डिसइन्फ्लेशन। रैशनल एक्सपेक्टेशन से क्या मुराद है और जो आपका कॉस्टलेस यानी कि ऐसा डिसइन्फ्लेशन जिसके ऊपर कोई कॉस्ट ना आए वो क्या चीज़ है, उससे पहले देखते हैं कि रैशनल एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। अ थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच पीपल ऑप्टिमली यूज ऑल द इन्फॉर्मेशन दे हैव इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज व्हेन फॉरकास्ट इन द फ्यूचर। रैशनल एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई है आप लोगों के साथ, ठीक है, जब आप लोग एस्टिमेट लगाते हैं हाँ अब हमारी कीमतें इतनी आ गई हैं तो आगे आने वाले सालों में रियल स्टेट की प्राइसेस क्या होंगी, अगले आने वाले सालों में जैसे कुर्बानी के आप लोगों ने जानवर लिए तो अगले आने वाले सालों में ये कितने के होंगे, ये सारी की सारी आपकी एक्सपेक्टेशन है आपकी कंज्यूमर गुड्स को लेकर। ठीक है जी, अर्ली प्रोपोनेंट्स इस मतलब इस कंसेप्ट को शो करने वाले पहले कौन थे, एक रॉबर्ट था, देन थॉमस थे, देन रॉबर्ट बैरो था। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि इम्प्लाइड दैट डिसइन्फ्लेशन कुड बी मच लेस कॉस्टली। इनका कहना ये था कि अगर ये डिसइन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है ये लेस कॉस्टली है, इसको क्रिएट अगर कर लें तो इतना ज्यादा लोगों को खर्चा बर्दाश्त या कॉस्ट ज्यादा बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। अब ये तो इन्होंने कह दिया था, उसके बाद अब सेकेंड पॉइंट जो हमने देखना है वो है कॉस्टलेस डिसइन्फ्लेशन का। कॉस्टलेस डिसइन्फ्लेशन से क्या मुराद है अभी हम देखते हैं। ठीक है जी,
इसमें क्या है कि सपोज द फेड, फेड यानी कि सेंट्रल बैंक, ठीक है, या स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कन्विंस एवरीवन इट इज कमिटेड टू रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन. जब सेंट्रल बैंक सबको कन्विंस कर लेता है, सबको कह देता है कि वी आर कमिटेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, विच मीन्स कि अगर हमने इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है तो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को ज्यादा करना पड़ेगा और आउटपुट को कम करना पड़ेगा, तो इस वाली सिचुएशन को कहते हैं कॉस्टलेस डिसइन्फ्लेशन. देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन फॉल्स द शॉर्ट रन पीसी कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड. ठीक है, शिफ्ट्स डाउनवर्ड से क्या मुराद है कि इन्फ्लेशन भी एकदम से कम हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़ी थोड़ी करके कम हो जाएगी. ठीक है जी, यहाँ तक था ये इस दोनों चीजों के पॉइंट. नेक्स्ट जो हमारी कॉस्ट है वो है द वॉकर डिसइन्फ्लेशन. जो आप लोग का ये जो हमारा था फेड का चेयरमैन पॉल वॉकर, जिसको जिसके बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया था, 1979 में बेसिकली उसको अपॉइंट किया गया था फेड में एज अ चेयरमैन. तब उसके वक्त में हाई इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी. उसने किस तरीके से इन दोनों चीजों को डील किया था, वो किया था उसने डिसइन्फ्लेशन की पॉलिसी के तहत. अच्छा, इसको आप किस किस्म की सिचुएशंस और किस किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करना है कुछ उस तरफ भी देख रहे थे. इसके पास अब लिमिटेशन क्या थी, इसको कह दिया गया 1981 से लेके 1984 तक आप फिजिकल पॉलिसी वाज एक्सपेंशनरी, यानी कि फिजिकल पॉलिसी में तो कोई चेंज आ नहीं सकता. ठीक है, एंड द फेड पॉलिसी हैड टू बी वेरी कॉन्ट्रैक्शनरी टू रिड्यूस इन्फ्लेशन. फिजिकल पॉलिसी का इस्तेमाल वाज क्वाइट टफ, तो उनको काफी कॉन्ट्रैक्शनरी यानी कि काफी कम कम पॉलिसीज यूज करने की जरूरत थी. अच्छा, इसकी सक्सेसेस क्या हुई थी? सबसे पहले तो ये कि इन्फ्लेशन, इसने जब डिसइन्फ्लेशन थ्योरी अपनी लगाई, पॉलिसी लगाई थी बेसिकली, इन्फ्लेशन गिर गया 10% से 4% की तरफ, बट एट द कॉस्ट ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट इसके दौर में बहुत हुई, लेकिन इन्फ्लेशन जरूर गिरा था. ठीक हो गया. बाय द एंड ऑफ 1970s द फिल्प्स कर्व हैड शिफ्टेड फॉर टू द राइट, सब्सटेंशियली वर्सनिंग द फेड्स शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. कहने का मकसद ये 1970 तक इसकी सिचुएशन इसने ऐसी क्रिएट कर ली थी कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है नेचुरल रेट तक पहुंच चुकी थी और इन्फ्लेशन रेट भी कम हो गया था. आगे बात करते हैं. इसके बाद मजीद इसकी इसी की कहानी है कि इसको और किस किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था. पहले तो था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग इसने देखा, या फिर इमेजरी लाइन द शॉर्ट एंड फिप्स कर्व एट इट्स हाईएस्ट लेवल. इसको एक मैं आप लोग डायग्राम के थ्रू बताऊंगी. अरे यहाँ पे ना एक आप लोग का टॉपिक यहाँ पे एंटर हो जाए, मैंने आप लोग को सेकंड लिंक प्रोवाइड करनी है, आप लोगों ने वो भी ज्वाइन कर लेनी है. ठीक है जी. अच्छा, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि एक तो आप लोग का शॉर्ट रन का फिलिप्स कर्व, जो आपका नॉर्मल फिलिप्स कर्व है. ठीक है, लॉन्ग रन में यही कहा जाता था कि लॉन्ग रन में जाके सारी की सारी चीजें वर्टिकल हो जाती है, तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी यहाँ पे शो कर दिया गया. यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक पॉइंट है जो कि आपको ये चीज शो कर रहा है कि यहाँ पे आउटपुट लेवल और आपका प्राइस लेवल क्या है. लेट से 1980 से 1982 तक एकदम से आपका जो है आपका पीसी कर्व शिफ्ट किया अपवर्ड की तरफ. ठीक है, उसकी सिचुएशन क्या क्रिएट हुई. सबसे पहले तो यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिला ऊपर वर्टिकल के ऊपर ही. यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट हुई है, दोबारा से एक दफा दिखाती हूँ. ये जो डॉटेड लाइन, ठीक है, ये किसी चीज की वजह से नहीं थी, इसको इमेजिनरी लाइन का नाम दे दिया गया था शॉर्ट एंड फिलिप्स कर्व के अंदर. ठीक है जी, इस इमेजिनरी लाइन कर्व ने एक ट्रायंगल क्रिएट किया, एक और पॉइंट क्रिएट किया कि अगर इन्फ्लेशन रेट को यहाँ तक रखा जाए और आउटपुट और ज्यादा बढ़ा दी जाए, यानी कि इस लेवल से यहाँ के लेवल से लेके इधर तक आने वाले लेवल को, ये आपकी आउटपुट है, प्रोडक्शन यहाँ से लेके वहां तक इंक्रीज करिए ऑन द सेम प्राइस लेवल के ऊपर. ठीक है जी, ये चीज उसने बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई थी कि अगर आप लोग बजाय ये कि अपने इसी रेट के ऊपर इतनी आउटपुट दो, क्यों ना इसी रेट के ऊपर अपनी आउटपुट को बढ़ा लो तो आपकी कॉस्ट कवर हो सकती है. ठीक है, ये बेसिकली इसकी थ्योरी थी. इस तरीके से इसने आउटपुट भी बढ़ाई, अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा रिड्यूस भी किया और इन्फ्लेशन रेट आहिस्ता आहिस्ता 10 से 4% की तरफ भी मूव कर गया. अगली बात करते हैं द ग्रीन स्पैन एरा. अच्छा, अब ये ग्रीन स्पैन एरा क्या था, ये एक सेकेंड फेड चेयरमैन का एरा है, उसका दौर था. इसमें एलन ग्रीन स्पैन इसका नाम था बेसिकली, उसी के ऊपर उसी के नाम से ये उसके दौर को एसोसिएट किया जा सकता है. ठीक है जी, 1986 की बात है कि ऑयल प्राइसेस एकदम से 50% गिर गई. याद है जब मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने प्राइसेस हाई करते करते एक मोमेंट यह आया जब लोग ऑयल एफिशिएंट चीजें मशीनरी इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे तो ऑयल प्राइसेस कम हो गई थी. तो इसके दौर में क्या हुआ था कि ऑयल प्राइसेस 50% गिर गई. ठीक है, इसी के दौर में क्या हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई थी और इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया था. फेड ने क्या किया था उस वक्त, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था और उसकी वजह से थोड़ा सा इसको रिसेशन का सामना करना पड़ा.
बताने का मकसद बेटा ये है कि ये आप लोगों को इनके मेन वो इरादा है जिसके अंदर इन्होंने फिल्म स्कर्फ की सिचुएशंस को फेस किया था, इसीलिए आप लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि पर्टिकुलरली इस किस्म की सिचुएशन इन्हीं के इन्हीं तीन चार लोग हैं जिनके दौर में ये क्रिएट हुई। 1990s के आते आते तक इसको फिर से इन्फ्लेशन रेट कम करना पड़ा और अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको कम करनी पड़ी इस किस्म का फास्ट लॉ। फिर 2001 में इसके साथ क्या हुआ था, इसको नेगेटिव डिमांड शॉक मिला, क्रिएटेड द फर्स्ट रिसेशन इन डिकेड, यानी कि एकदम से मार्केट के अंदर इसको इसकी जो प्रोडक्शन हो रही थी, इसकी इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रही थी, उस प्रोडक्शन की डिमांड कम हो गई, लोगों ने एकदम से कम डिमांड कर दी, उसकी वजह से डिमांड में एक डिमांड शॉक आ गई, इनकी डिमांड का कम हो जाना, नेगेटिव डिमांड शॉक जिसको कहा गया। पॉलिसी मेकर रिस्पॉन्डेड विद एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, इसने फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लिया था, ठीक है जी। फर्दर ये कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर too low during the most of Alan Greenspan's years as Fed chairman, ठीक है जी। In this period, inflation and unemployment were lower and less variable than the previous period. इसके span में मतलब इसके time में inflation and unemployment usually कम ही थे। Few highlights हैं इसके periods की, rising unemployment that resulted from the first recession of this period. Unemployment बढ़ी इसके दौर में जब पहला recession आया, ठीक है। फिर unemployment कम हुई without corresponding increase in inflation. In fact, inflation edged the lower. अच्छा, इसको स्मॉल इंक्रीज देखना पड़ा था इन्फ्लेशन में व्हाइल अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूड इट्स डाउनवर्ड मार्च। अनएम्प्लॉयमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, लेकिन इसको इन्फ्लेशन का सामना भी करना पड़ा, आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन बढ़ता गया, ठीक है जी। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग द सेकेंड रिसेशन ऑफ दिस पीरियड, रिसेशन के अलावा जो मेजर पॉइंट इसने जो मेजर चीज बर्दाश्त की थी वो थी राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ते जाना। नेक्स्ट इसने एक्सपेंशनरी और फिजिकल पॉलिसी को इस्तेमाल किया अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए एट द कॉस्ट ऑफ स्लाइटली हायर इन्फ्लेशन। उसने पॉल वॉकर ने क्या किया था, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा कर दी थी, इसने क्या किया इन्फ्लेशन को ज्यादा कर दिया, ठीक है जी। ये इनकी कुछ चीजें थी। अब आखिरी जिसकी बात करने लगी वो है बेन बेनेक्स चैलेंजेस, उसको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ही इज द पर्सन, ये आप लोग के राइट कॉर्नर पे इसकी पिक्चर शो हो रही है, इसको देखना पड़ा था एग्रीगेट डिमांड का शो, क्योंकि डिमांड का जो एकदम से नेगेटिव शो आया था वो तो एलन के जमाने में आ गया था, लेकिन इसको ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड शो का सामना करना पड़ा। क्या हुआ था कि सब प्राइम मॉर्टेजेस क्राइसिस इसको देखने पड़े, हाउसिंग प्राइसेस में फॉल आ गया एकदम से, फॉरक्लोजर्स इसके जो वाइड स्प्रेड थे उनके अंदर एक फॉल आ गया, फाइनेंशियल सेक्टर ट्रबल्स यानी फाइनेंशियल सेक्टर्स में ट्रबल्स की सिचुएशन क्रिएट हुई। इसके साथ साथ इसको एग्रीगेट सप्लाई शॉक्स का भी सामना करना पड़ा। सप्लाई शॉक्स इसको किस में आए थे, फर्स्ट एंड फॉरमेड इसकी जो फूड की प्राइसेस थी इसके दौर में वो बढ़ गई, एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज यानी क्रॉप्स वगैरह वो ज्यादा महंगी हो गई, पर जो आपका कॉर्न का इनका एक बैरल या कोई एक जो इनकी क्रॉप थी वो $2.10 के करीब पहुंच गई, जबकि 2008 में आते आते वो $5 तक पहुंच चुकी थी। ऑयल प्राइसेस बढ़ गई थी दोबारा से, उसके दौर में क्या होता 50% कम हो गई, इसके दौर में ऑयल प्राइसेस बढ़ गई थी। यानी कि आप लोग के जुलाई और जून जुलाई से ले लेके 2007 और 2008 यानी कि एक साल के दौरान में इसको अनएम्प्लॉयमेंट इसके दौर में बढ़ी 4.6 से लेके 5.5% तक, यानी कि एग्रीगेट डिमांड शॉक भी इसने बर्दाश्त किया, सप्लाई शॉक भी बर्दाश्त किया, राइजिंग ऑयल प्राइस भी बर्दाश्त किया, और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मसले मसाइल में भी ये घिरा रहा। और जो इसके कंट्री का CPI था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन रेट था वो भी 2.6 से 4.9% तक बढ़ के आ गया, यानी कि सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम्स आई हैं तो इसी के दौर में आई थी और अभी तक उन्हीं चीज़ों को रिजॉल्व किया जा रहा है। एक दफ़ा छोटा सा रिकैप कर देती हूँ, इसके बाद यहीं पे मैंने आप लोगों का लेक्चर एंड कर देना है। हम लोगों ने बेसिकली अपने इस ओवरऑल ये फिल्म स्कर्फ वाले चैप्टर में जो थ्योरीज पढ़ी हैं ये आप लोग की 20th century में होने वाली मेन थ्योरीज हैं। पढ़ाने का मकसद आप लोगों को ये है कि ये जो फिल्म स्कर्फ की बातें हमने की हैं और ये तीन लोगों के जो इराज देखे हैं, इन्हीं तीन लोगों ने बुनियाद रखी है आगे आने वाले इकोनॉमिस्ट और आगे आने वाले पॉलिसी मेकर्स के लिए। जो हमने पिछली थ्योरीज पढ़ी है उन्होंने हमें ये सिखाया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट अनरिलेटेड होते हैं लॉन्ग रन के अंदर, इसको हमने देखा भी है, नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं जबकि शॉर्ट रन के अंदर, लॉन्ग रन में अनरिलेटेड होते हैं और नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं शॉर्ट रन के अंदर। अफेक्टेड बाय एक्सपेक्टेशन विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी, एक्सपेक्टेशन की वजह से इनको इनके ऊपर फिल्म स्कर्फ के ऊपर असर आता है और सप्लाई शॉक्स की वजह से भी आता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इन द लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ, शॉर्ट रन के अंदर इन्फ्लेशन चुन लो या अनएम्प्लॉयमेंट चुन लो, लॉन्ग रन के अंदर आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर खड़ा रहना पड़ता है और वहीं से आपको सारे के सारे बढ़ते से बढ़ते इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। इन्फ्लेशन इज डिटरमाइंड बाय द मनी ग्रोथ, बाय अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल्स इट्स नेचुरल रेट।
फिर सप्लाई शॉक्स एंड द चेंजेस इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन शिफ्ट द शॉर्ट टर्म सप्लाई वो आपका फिल्म्स का मेकिंग द ट्रेड ऑफ मोर और लेस फेवरेबल. जब सप्लाई शॉक्स आ जाते हैं तो पॉलिसी मेकर्स के लिए दिस इज वेरी हार्ड टू डिजाइन अ पॉलिसी टू डिटरमिन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ठीक है, ये सप्लाई शॉक्स की वजह से चीजें खराब होती हैं, उनके लिए पॉलिसीज कम उनके मकदार उनके पास होते हैं कि वो पॉलिसीज अपनी फॉर्मुलेट कर सके. द फेड यानी कि जो सेंट्रल बैंक है कैन रिड्यूस इन्फ्लेशन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मनी सप्लाई. अगर मनी सप्लाई को थोड़ा कम कर दे आपका सेंट्रल बैंक तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो सकता है. क्या उसकी वजह से क्या होता है कि विच मूव द इकोनॉमी अलोंग इट्स शॉर्ट रन फिल्प्स कर्व एंड रेजेस अनएम्प्लॉयमेंट. यानी कि शॉर्ट रन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा. ठीक है, ऑन द अदर हैंड लॉन्ग रन में क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट को और इन्फ्लेशन रेट को लॉन्ग रन में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है जो आपके फोरकास्टिंग है वो अनएम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लेशन रेट को नेचुरल रेट के ऊपर ले आएगी. आखिर में बात यह है कि सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट द क्रेडिबल कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन कैन लोअर द कॉस्ट ऑफ डिसइन्फ्लेशन बाय इंड्यूसिंग अ रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन. अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस में थोड़ी सी कमी लाई जाए, यानी कि लोग ये ना कहें कि भाई आगे आने वाले दौर में कीमतें बढ़ जाएंगी. जब एक प्रोड्यूसर को ये अंदाजा होता है कि आने वाले दौर के अंदर कीमत बढ़ जाएगी तो वो अपनी जो सप्लाई होता है उसको शॉर्ट कर लेता है, उसका कहत ला देता है, यानी कि उसको होल्ड कर लेता है. तो इन सारी चीजों को रिड्यूस किया जाए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके और डिसइन्फ्लेशन की जो कॉस्ट है उसको लेस वेरी किया जा सके. यहाँ पे आप लोग का मीटिंग टाइम भी एंड हो रहा है और हमारा लेक्चर भी एंड हो चुका है जो कि 500 पेज से 509 तक था.